गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अनंत जनसेवा केंद्र पर चाकू दिखाकर एक बाइक संख्या UP 53 CG 6873 पर सवार तीन बदमाशों ने 32,000 की लूट कर हुए फरार। मामला चौरी चौरा थाना क्षेत्र का। सूचना पर मौके पर पहुंचे SP नॉर्थ ने की घटना की छानबीन। कहा, मिले हैं क्लू, जल्द होगा घटना का खुलासा। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के साथ ही अब जनपद में एक बार फिर कोरोना ने दी है दस्तक। सोमवार को मिले 2 कोरोना संक्रमित मरीज, दोनों संक्रमित एक ही परिवार के। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, स्वास्थ्य विभाग की टीम है सजग, डरने की नहीं है जरूरत, रहे सतर्क, लगाए मास्क को और करे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों के शहादत दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के रूप में किया घोषित। पिछले कई वर्षों से हो रही थी मांग, सिख समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी को दिया धन्यवाद, प्रकट किया आभार। मारपीट व हत्या के आरोप में 5 अभियुक्तों रमेश वर्मा, उमेश वर्मा, सुजीत वर्मा, रंजीत वर्मा और सूरज वर्मा को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। SP नॉर्थ ने किया खुलासा। बासगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत ततरौली में शौचालय निर्माण के घोटाले में दोषी पाए जाने वाले ग्राम प्रधान व सचिव को जिलाधिकारी ने 15 दिन के अंदर DPRO कार्यालय में 6,18,000 रुपए जमा करने का दिया निर्देश। नहीं जमा करने पर की जाएगी विधिक कार्रवाई, CDO ने दी जानकारी। से बचने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था होने के बावजूद कुछ लोग अभी भी सड़कों के किनारे बने फुटपाथ पर किए हुए हैं कब्जा। ट्रैफिक जाम की समस्या के साथ कर रहे हैं शहर की सुंदरता को दागदार, रैन बसेरे हैं खाली। सिकरीगंज थाने की पुलिस ने अभियुक्त सुरेंद्र राम व जगह थाने की पुलिस ने अभियुक्त अभिषेक यादव की खोली हिस्ट्री शीट। रखी जाएगी उनकी आपराधिक गतिविधियों पर नजर, SP नॉर्थ ने दी जानकारी। बहुजन समाज पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। BSP के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा, बसपा में ही सभी वर्ग के लोगों का होता है सम्मान। आगामी निकाय चुनाव में सर्व समाज के लोग बसपा के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने का करेंगे कार्य। और गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर मोहद्दीपुर गुरुद्वारा से महानगर में गुरु ग्रंथ साहब की सुशोभित पाल की वाहन की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भारी संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के सोनबरसा स्थित बिलवा खुर्द स्थित अनंत जनसेवा केंद्र पर पहुंचे एक बाइक संख्या UP 53 CG 6873 पर सवार तीन बदमाशों ने चाकू दिखाकर 32,000 रुपए की लूट की और फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर चौरी चौरा थाने की पुलिस के साथ SP नॉर्थ ने पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दिया, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि तीन बदमाशों ने चाकू दिखाकर अनंत जनसेवा केंद्र से 32,000 रुपए की लूट की है। वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत ही ठोस सबूत मिले हैं जिसके आधार पर जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, ये आज शाम को लगभग 5 बजे अनंत जनसेवा केंद्र सोनबरसा में वादी डॉक्टर रामू गुप्ता के पुत्र अनंत गुप्ता बैठे हुए थे, तो कोई 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल नंबर 53 CG 6873 से आए और 32,000 रुपये चले। इस संबंध में अभियुक्त निगरानी किया गया है और गाड़ी के नंबर के आधार पे और उसकी मेक के आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर्विलांस की टावर डम को आने कार्रवाई अभी की जा रही है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के साथ ही अब जनपद में भी एक बार कोरोना ने दस्तक दे दी है। पूरा साल खत्म होने के समय दिसंबर में 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और दोनों संक्रमित एक ही परिवार के हैं और वह सिविल लाइन इलाके के रहने वाले हैं, जिसके संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी गई है। शहर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिनका सैंपल RT-PCR के लिए भेज दिया गया है।
उन्हें हल्की सर्दी जुकाम की शिकायत है, जबकि दोनों को बुखार नहीं है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम को सजगता के निर्देश दिए गए हैं और लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद में सभी चिकित्सालय पर कोविड हेल्प डेस्क लगाने के लिए कहा गया है तथा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर 24 घंटे कोविड की जाँच की जा रही है तथा आशाओं को निर्देशित किया गया है कि वह अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि इस कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोगों की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। सर्दी जुकाम खांसी सभी को हल्का होता है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए इधर 4-5 दिनों से लगातार निगरानी और सतर्कता बढ़ाई गई है और इसी दौरान जो है 2 पेशेंट जो है पॉजिटिव निकले हैं, उनकी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। दोनों मरीज वैसे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, घर पे ही रह के उनका उपचार किया जा रहा है। सजगता सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ जितने भी चिकित्सालय हैं हमारे, सब जगह पर कोविड हेल्प डेस्क बनाने की बात कही गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर 24 घंटे जांच की जा रही है। आशा और एनओ को निर्देशित किया गया है कि वो क्षेत्र में जाएं और जो ILI सारी के मरीज हैं उन मरीजों का सैंपलिंग कराने के लिए कहें और जिस एरिया में ज़्यादा मरीज निकल रहे हैं उस एरिया में विस्तृत जांच पत्र कर, इसी दिशा में काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि बच्चे, बीमार, बुजुर्ग और गर्भवती माताएं भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ना जाएं। अगर जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं और लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोरखपुर जनपद में 90 से लेकर के 98% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। 18 साल के ऊपर की पूरी आबादी का टीकाकरण किया जा चुका है। 60 साल के ऊपर के लोग 98% लोगों का हो चुका है और 36% से ज़्यादा लोग जो है प्रिकॉशन डोज ले चुके हैं, जिसमें हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। जैसा कि प्रमाण है कि 2 पेशेंट जो पॉजिटिव आए हैं दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो किसी सर्जरी के लिए संभवतः गए थे, वहाँ पर उनको जांच के लिए बताया गया था। जैसा कि हमारा आदेश भी है कि अगर कोई व्यक्ति सर्जरी कराने जा रहा है तो पहले कोविड की जांच कराए, तो उसी समय है। तो इसमें जुकाम बुखार जैसी हल्की सी तकलीफ होगी, ठीक हो जाएंगे, लेकिन सतर्कता आवश्यक है। सजग रहें, सतर्क रहें और कोरोना के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग आपके साथ लगा हुआ है। भारत सरकार ने गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों के शहादत को बाल वीर दिवस के रूप में घोषित किया, जिसके संबंध में मोहद्दीपुर गुरुद्वारा समिति के सचिव सरदार मनमोहन सिंह ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इसकी मांग हम लोग कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी विशेष धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इसके लिए हम लोगों की बातों को प्रधानमंत्री तक पहुँचाया था, क्योंकि प्रदेश व केंद्र सरकार ने मिलकर गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों के शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसकी मांग हम लोग पिछले कई सरकारों से करते आ रहे थे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब से देश में प्रधानमंत्री मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, तब से उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादे को माना है कि ऐसी शहादत ना कोई दे पाएगा। उनकी शहादत को मानते हुए वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। इसके लिए पूरे सिख समाज की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोहद्दीपुर गुरुद्वारा समिति के सचिव सरदार मनमोहन सिंह ने कहा, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय भाई नरेंद्र मोदी जी का उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परमपूज योगी आदित्यनाथ महाराज जी का तहे दिल से सिख समाज की तरफ से
पंजाबी समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जो इन्होंने दशमेश पातशाह के साहबजादों के शहादत को बाल दिवस के रूप में आज का दिन घोषित किया है। इसकी मांग पिछले कई सरकारों से हम करते आ रहे थे पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, पर जब से इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी, मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ महाराज जी आए हैं, उन्होंने उस शहादत को कबूला है, माना है कि ऐसी अद्वितीय शहादत ना किसी ने दी है ना कोई दे पाएगा, और उन्होंने उस शहादत को योदान को नमन करते हुए उस भावनाओं को, समाज की भावनाओं को देखते हुए आज के दिन को बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। मैं उनका पूरे घर की तरफ से, पूरे विश्व की सिख समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने मारपीट व हत्या के आरोप में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान रमेश वर्मा पुत्र हरिराम वर्मा, दूसरा उमेश वर्मा पुत्र हरिराम वर्मा, तीसरा सुजीत वर्मा पुत्र रमेश वर्मा, चौथा रंजीत वर्मा पुत्र रमेश वर्मा, पांचवा सूरज वर्मा पुत्र उमेश वर्मा, निवासीगढ़ फरदहनी थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि प्रतिवादी गढ़ द्वारा छत के ऊपर से गंदा पानी गिराने से मना करने की बात को लेकर एक राय होकर हाकी व डंडे से मार पीट कर मजरूब को घायल कर देना व सदर अस्पताल पहुंचते समय रास्ते में मृत्यु हो जाने के संबंध में कैंपियरगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसको देखते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंपियरगंज थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक उमा शंकर कन्नौजिया, कांस्टेबल सोनू यादव, रंजीत बिंद शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, थाना कैंपियरगंज के फरदहनी नामक ग्राम में एक 35 वर्षीय युवक दिसंबर 84 को नाली का पानी निकालने के विवाद में कुछ व्यक्तियों द्वारा झगड़ा करके चोट पहुंचाई गई, जिससे अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। FIR दर्ज करने पर 6 अभियुक्तों को नामित किया गया, उनमें से रमेश, उमेश, सुजीत, रंजीत और सूरज को पुलिस ने 8 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शेष विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेस ने बांसगांव ब्लॉक की ग्राम पंचायत अतरौली में शौचालय निर्माण के घोटाले मामले में ग्राम प्रधान व सचिव को 15 दिन के अंदर 6,18,000 रुपए को DPRO कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया, जिसके संबंध में CDO संजय कुमार मीना ने बताया कि बांसगांव के अतरौली में शौचालय निर्माण के घोटाले मामले में एक जांच करवाई थी, जब उन्होंने शौचालय के पैसे में हुए घोटालों की जांच की तो 6,18,000 रुपए की रिकवरी पाई गई, जो कि बराबर के दोषी पाए गए, जिसको देखते हुए ग्राम प्रधान को 3,09,000 व सचिव को 3,09,000 की धनराशि को 15 दिन के अंदर DPRO कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है। यदि समय से धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीना ने कहा, सर बांसगांव में कुछ पैसा रिकवरी का मामला सामने आया, क्या बांसगांव की ग्राम पंचायत अतरौली में एक जांच कमेटी पूर्व जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित की गई थी, जब उन्होंने शौचालय संबंधी अनियमितताओं की जांच की तो उसमें पाया कि 6,18,000 की रिकवरी पाई गई, जिसके तहत ग्राम प्रधान और संबंधित सचिव बराबर के दोषी पाए गए, तो संबंधित ग्राम प्रधान को 3,09,000 और संबंधित ग्राम सचिव को 3,09,000 जमा करने का आदेश 15 दिन के अंदर दिया गया है जिलाधिकारी महोदय द्वारा। यदि उनके द्वारा निर्धारित अवधि में यह धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर।
अनंत जनसेवा केंद्र पर चाकू दिखाकर एक बाइक संख्या UP 53 CG 6873 पर सवार तीन बदमाशों ने 32,000 की लूट कर हुए फरार। मामला चौरी चौरा थाना क्षेत्र का। सूचना पर मौके पर पहुंचे SP नॉर्थ ने की घटना की छानबीन। कहा, मिले हैं क्लू, जल्द होगा घटना का खुलासा। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के साथ ही अब जनपद में एक बार फिर कोरोना ने दी है दस्तक। सोमवार को मिले 2 कोरोना संक्रमित मरीज, दोनों संक्रमित एक ही परिवार के। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, स्वास्थ्य विभाग की टीम है सजग, डरने की नहीं है जरूरत, रहे सतर्क, लगाए मास्क को और करे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों के शहादत दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के रूप में किया घोषित। पिछले कई वर्षों से हो रही थी मांग, सिख समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी को दिया धन्यवाद, प्रकट किया आभार। मारपीट व हत्या के आरोप में 5 अभियुक्तों रमेश वर्मा, उमेश वर्मा, सुजीत वर्मा, रंजीत वर्मा और सूरज वर्मा को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। SP नॉर्थ ने किया खुलासा। बांसगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत ततरौली में शौचालय निर्माण के घोटाले में दोषी पाए जाने वाले ग्राम प्रधान व सचिव को जिलाधिकारी ने 15 दिन के अंदर GPRO कार्यालय में 6,18,000 रुपए जमा करने का दिया निर्देश। नहीं जमा करने पर की जाएगी विधिक कार्रवाई, CDO ने दी जानकारी। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था होने के बावजूद कुछ लोग अभी भी सड़कों के किनारे बने फुटपाथ पर किए हुए हैं कब्जा। ट्रैफिक जाम की समस्या के साथ कर रहे हैं शहर की सुंदरता को दागदार, रैन बसेरे हैं खाली। सिकरीगंज थाने की पुलिस ने अभियुक्त सुरेंद्र राम व जगह थाने की पुलिस ने अभियुक्त अभिषेक यादव की खोली हिस्ट्री शीट। रखी जाएगी उनकी आपराधिक गतिविधियों पर नजर, SP नॉर्थ ने दी जानकारी। बहुजन समाज पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। BSP के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा, बसपा में ही सभी वर्ग के लोगों का होता है सम्मान। आगामी निकाय चुनाव में सर्व समाज के लोग बसपा के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने का करेंगे कार्य। और गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर मोहद्दीपुर गुरुद्वारा से महानगर में गुरु ग्रंथ साहब की सुशोभित पाल की वाहन की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भारी संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में हुए शामिल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला प्रशासन के द्वारा ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों का व्यवस्था होने के बावजूद कुछ लोग अभी भी सड़कों के किनारे बने फुटपाथ पर कब्जा किए हुए हैं और शहर में ट्रैफिक की समस्या खड़ी कर रहे हैं और शहर की सुंदरता को दागदार कर रहे हैं। वही विडंबना यह है कि रैन बसेरे खाली हैं, जिसके संबंध में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी कर्नल CP सिंह ने बताया कि जनपद में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और लोगों के लिए सरकार द्वारा रैन बसेरा बनाया गया है जहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर अपना गुजारा कर रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं। उसी के तहत एक अभियान चलाया गया, जितने भी लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं उन सभी को रैन बसेरे में पहुंचाया गया और समझाया गया कि सरकार पूरी तरह से हर सुविधा दे रही है, खुले में ना सोएं, तबीयत खराब होने की संभावना होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी कर्नल CP सिंह ने कहा, जाके उसमें जाओ शेल्टर में। आप रोड पे नहीं आओगे
चीख पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है, ये लेके आप रैन बसेरे में जाओ। रैन बसेरा कहाँ है? खा सकते हैं, जहाँ पे आप खुली हवा में रहते हो, मतलब और बच्चे छोटे छोटे तुम्हारे, आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको रैन बसेरा छात्र संघ के पास है, चलो मैं दिखा देता हूँ तुमको, लेके वहाँ जाओ, यहाँ पे कहीं ठंडे में नहीं रहो, ठंडे में नहीं रहना। इसको बोल दो जल्दी आप जाके रैन बसेरा में जाओ, रैन बसेरा में, यहाँ सर्दी में नहीं रहना। सरकार ने आपके लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया इंतजाम किया, वहाँ जाओ, जान ही नहीं, आपके बच्चे उधर ये रोड पे आएंगे तो अभी बम्बर बुरा जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, आप समझ रहे हो? मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आपकी बात में ऐसा नहीं, हम लोग गवर्नमेंट में सरकार में आती है, आप ऐसा नहीं है कि हमें समझ में नहीं आता, आप समझ रहे हो? वहाँ पर नुकसान की जिम्मेदारी दिया गया, समझ गए? सरकार जहाँ साफ बताते हैं वहीं जाओ, बच्चे छोटे बच्चे इनको पहनने नहीं कपड़ा आपने, आप समझ रहे हो? लेके जाना है जेल में, रैन बसेरा पूरा खाली पड़ा, जहाँ जाओ वहाँ चले, वहाँ आपको पानी भी है, लैट्रिन भी है, सब कुछ है, यहाँ कहाँ जाओ? आप जाकर वहाँ चले, यहाँ से चौराहे से नहीं होता तो हम लोग लेकर तो दिखा देते हैं, आपको समझ में आता है? और नहीं तो जो बस स्टैंड के नीचे बचो, अब खुले में ऐसे रहोगे ठंड लग जाए, बड़ी मुश्किल से बच्चे बच्चे होते हैं, समझते हैं? समझ बचाना है आपको, अभियान देखिए, एक्चुअली सर्दी पड़ रही है और सर्दी अभी आने वाले दिनों में, अभी जैसा कि मौसम मतलब ये जो हमें जानकारी है कि 4 तक बहुत सर्दी होगी, तो उसी के तहत जो खुले में ये आदमी रह रहे हैं, तो रैन बसेरा में हम लोग नगर आयुक्त साहब ने बोला है कि पूरी उसकी मॉनिटरिंग हुई, उसमें जो जो जहाँ मिल रहा है उनको रैन बसेरा में पहुँचा रहे हैं। ये थोड़े दूसरे टाइप के आदमी है, वो इसमें आधे तो स्मैकी है, तो मतलब दिमाग में मतलब वो बिल्कुल नशे में धुत रहते हैं, और इनके छोटे बच्चे हैं वो रोड पे आ जाते हैं, तो वो हम लोग को देखा भी, ये हम लोग के संज्ञान में आया, तो उसी के तहत हमने इनको बताया कि आप लोग यहाँ से हट के रैन बसेरा पूरा खाली है, जैसे छात्र संघ का रैन बसेरा खाली है, वहाँ पे इनको हम जगह दे रहे हैं, ऊपर महिलाओं को चले जाए, नीचे पुरुषों का है, इसके अलावा कहीं शेल्टर में जाएं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, अभी सर्दी का प्रकोप है, सर्दी से बचाना इनको है, तो उसी के तहत मैं और अपना जिला प्रशासन, जिला पुलिस हमारे साथ में है, चौकी चार यहाँ पे अपने नगर निगम के हैं वो मेरे साथ में, हम लोग वही साथ में आए, दुबे साहब भी मेरे साथी हैं, दुबे आ जाओ, सब सारे हम लोग मिल के इनको बता वही समझाने आए कि यहाँ से आप कहीं शेल्टर में जाइए, तो अभी जैसे ही तो भाग गए, अभी दोबारा एक बार हम लोग फिर आएंगे, इनको लेके कहीं शेल्टर में ले जाना चाहते हैं, वही समझाना चाहते हैं कि आप शेल्टर में जाओ, नीचे मत रहो या खुले में मत रहो, जब सुविधा सरकार दे रही तो आप उसको रहो, आप ऐसा नहीं करोगे, मतलब वही समझाने आए, तो कुछ पब्लिक का भी सुझाव था कि सर ये मतलब वो करेंगे, तो हमने कहा जहाँ पे बस स्टैंड है, बस स्टैंड का भी शेल्टर है, थोड़ा बच्चे और छोटे बच्चे हैं, हमें इनको इनकी जिंदगी बचानी, वही मैं समझाने आए। सिकरीगंज थाने की पुलिस और जगह थाने की पुलिस ने एक एक अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि 2 अभियुक्तों की हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिनकी पहचान सुरेंद्र राम उर्फ सूर्या पुत्र ओम प्रकाश राम निवासी बरौली थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, दूसरा अभिषेक यादव पुत्र विजय प्रताप यादव निवासी रामपुरा थाना जगह जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि अभी अभियुक्तों के आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, जिससे कि या कोई अपराध ना कर सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, सर 2 लोग के हिस्ट्री शीट खुली, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना सिकरीगंज में अपराधी सुरेंद्र राम तथा थाना झंगा में अपराधी अभिषेक यादव के हिस्ट्री शीट खोली गई है। अब इनकी निरंतर निगरानी की जाएगी तथा इनकी गतिविधियों पर लगातार संपर्क रखा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन तारामंडल स्थित एक निजी मैरिज हॉल में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि बीएसपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल रहे। उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर और काशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके संबंध में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बताया कि बसपा में ही सभी वर्ग के लोगों का सम्मान होता है, आज मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप कर सभी पिछड़े समाज को सम्मान दिया है।
बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। आगामी निकाय चुनाव सामने है, बसपा के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे ताकि आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव जीतकर बसपा की सरकार बनाए और हम सब की नेता बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाए। सभी लोग जमीनी स्तर पर उतरकर भाईचारा बनाकर अपने प्रत्याशी को जिताएं क्योंकि आने वाला समय बसपा का होगा। बहन मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को जमीनी स्तर पर उतार कर साबित कर दिया कि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज का हित कर सकती है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार नीरज, जिला महासचिव परमेश्वर छोटू सहारा, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे, कोषाध्यक्ष अब्दुल मिराज, पट्टू कन्नौजिया, अजय प्रधान, संतोष उर्फ बबलू सिंह, राम छबीले यादव, नारायण कमलेश फौजी, पशुपतिनाथ राघुकुल, दिनेश कुमार, सत्यनारायण यादव, सुभाष चंद्र शर्मा, राज कपूर निषाद, रामगति निषाद सहित हजारों संख्या में लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बसपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा, आदरणीय दारा निषाद पूर्व प्रत्याशी आदरणीय दारा निषाद जी से भी शमसुद्दीन जी, संतोष और बब्बू जी आए, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जमीर अहमद जी नगर पालिका परिषद कुशीनगर से आए, मान्या बहन जी ने एक कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उसी कड़ी में पूरे प्रदेश में हर मंडल वाइज मेरे कार्यक्रम लगे हैं और मैं 23 तारीख से निकला हूं, तब से लगातार हर मंडल में बहुत बड़ा बहुजन समाज का हुजूम उमड़ रहा है और निश्चित है कि आने वाले जो मेयर नगर पालिका नगर पंचायत टाउन एरिया वार्ड का चुनाव होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। कार्यकर्ता खुद अपने आप में सब उफान पे है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है कार्यकर्ता, कार्यकर्ता सब लग करके सीटों को जिताने का काम करेंगे। तैयारी बहुत मजबूत बहुजन समाज पार्टी की है, इतनी तैयारी और किसी तरह की नहीं है। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर सोमवार को मोहद्दीपुर गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहब की सुशोभित पालकी गाड़ी की भव्य शोभा यात्रा महानगर में निकाली गई। आपको बता दें कि शोभा यात्रा के सबसे आगे गुरु गोविंद सिंह की जय घोष करते हुए गाड़ी जिस पर गुरु महाराज की तस्वीर लगी थी, उसके पीछे लोकल बैंड ग्रुप, उसके पीछे गुरुद्वारा हरमिंदर साहब अमृतसर का मॉडल लिए गाड़ी चल रही थी तथा पीछे बच्चों का कारवां गुरु महाराज का जय घोष करते हुए चल रहा था। साथ ही गुरु नानक नाम लेते हुए संगीत गुरुवाणी कीर्तन चल रहा था। बच्चों के कारवे के पीछे पंजाब चाय बैंड ग्रुप गुरु महाराज के जय घोष की धुन बजाते हुए चल रहा था। पंजाब से आए बैंड ग्रुप के पीछे शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए पंजाब से स्पेशल बैंड सिख मार्शल आर्ट शहर के विभिन्न स्थानों पर करतब दिखाते हुए चल रहे थे, जिन्हें देखने के लिए जनसैलाब उमड़ रहा था।
शोभा यात्रा में सिख धर्म के इतिहास को दर्शाती तस्वीर एवं दसों गुरु की तस्वीर लगी गाड़ियां चल रही थी। उन्होंने कहा कि गुरु का आदेश सिख धर्म के लोगों के लिए सर्वोपरि होता है, वे जो आदेश करे उसे मानना सिख धर्म के लिए अनिवार्य होता है। पंज प्यारों के पीछे महिलाएं गुरु ग्रंथ साहिब के गुजरने वाले रास्तों को साफ करते हुए चल रही थी। उनके पीछे फूलों से सुशोभित गुरु ग्रंथ साहिब की गाड़ी चल रही थी। जनमानस गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी पर मत्था टेक कर गुरु का प्रसाद प्राप्त कर रहे थे। इस अवसर पर सरदार देवेंद्र सिंह, सरदार राजेंद्र सिंह, सरदार जयपाल सिंह, सरदार सुखमीत सिंह, सरदार मनमिंदर सिंह, सरदार गुरमीत सिंह, सरदार रोहितास सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोहद्दीपुर गुरुद्वारे के सचिव सरदार मनमोहन सिंह ने कहा, ¡Gracias!
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये शोभा यात्रा दशम गुरु सरबंश दानी पिता साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 356वें पावन प्रकाश पर्व को मुख रख के आप सभी नगरवासियों के सहयोग से निकाली जा रही है। इसकी शोभा बढ़ाने के लिए विशेष तौर से भटिंडा से आर्मी बैंक, बरेली से गतका पार्टी पहुंची हुई है। गुरु साहब का पावन प्रकाश पर्व 29 दिसंबर को गुरुद्वारा मोहद्दीपुर में मनाया जाएगा। मैं आप मीडिया भाई के चैनल से द्वारा ये सभी जनमानस को अनुरोध करता हूँ, आप 29 तारीख को गुरु महाराज के पावन प्रकाश पर्व में आए और गुरबाणी सभा की तरफ सुने और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। मैं मनमोहन सिंह गुरुद्वारा सचिव गुरुद्वारा मोहद्दीपुर आप सभी नगरवासियों को साहेब कमाल साहेब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अनंत जन सेवा केंद्र पर चाकू दिखाकर एक बाइक संख्या UP 53 CG 6873 पर सवार तीन बदमाशों ने 32,000 की लूट कर हुए फरार। मामला चौरी चौरा थाना क्षेत्र का। सूचना पर मौके पर पहुंचे SP नॉर्थ ने की घटना की छानबीन। कहा मिले हैं क्लू, जल्द होगा घटना का खुलासा। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के साथ ही अब जनपद में एक बार फिर कोरोना ने दी है दस्तक। सोमवार को मिले 2 कोरोना संक्रमित मरीज, दोनों संक्रमित एक ही परिवार के। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा स्वास्थ्य विभाग की टीम है सजग, डरने की नहीं है जरूरत, रहे सतर्क, लगाए मास्क को और करे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों के शहादत दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के रूप में किया घोषित। पिछले कई वर्षों से हो रही थी मांग, सिख समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी को दिया धन्यवाद, प्रकट किया आभार। मारपीट व हत्या के आरोप में 5 अभियुक्तों रमेश वर्मा, उमेश वर्मा, सुजीत वर्मा, रंजीत वर्मा और सूरज वर्मा को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। SP नॉर्थ ने किया खुलासा। बांसगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत ततरौली में शौचालय निर्माण के घोटाले में दोषी पाए जाने वाले ग्राम प्रधान व सचिव को जिलाधिकारी ने 15 दिन के अंदर GPRO कार्यालय में 6,18,000 रुपए जमा करने का दिया निर्देश। नहीं जमा करने पर की जाएगी विधिक कार्रवाई, CDO ने दी जानकारी। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था होने के बावजूद कुछ लोग अभी भी सड़कों के किनारे बने फुटपाथ पर किए हुए हैं कब्जा। ट्रैफिक जाम की समस्या के साथ कर रहे हैं शहर की सुंदरता को दागदार, रैन बसेरे हैं खाली। सिकरीगंज थाने की पुलिस ने अभियुक्त सुरेंद्र राम व जगह थाने की पुलिस ने अभियुक्त अभिषेक यादव की खोली हिस्ट्री शीट। रखी जाएगी उनकी आपराधिक गतिविधियों पर नजर, SP नॉर्थ ने दी जानकारी। बहुजन समाज पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। BSP के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा बसपा में ही सभी वर्ग के लोगों का होता है सम्मान। आगामी निकाय चुनाव में सर्व समाज के लोग बसपा के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने का करेंगे कार्य। और गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर मोहद्दीपुर गुरुद्वारा से महानगर में गुरु ग्रंथ साहब की सुशोभित पाल की वाहन की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भारी संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में हुए शामिल। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।